हेलो दोस्तों, कैसे हो? खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देखिए, आप भी एक सिकंदर है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हॉर्मोनल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल, किस तरीके से चेंजेज होते हैं हॉर्मोन के साथ में। एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, मेरे साथ में आइएगा। मैंने यहाँ पे एक नाम लिख रखा है जिसका नाम यहाँ पे है नाम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का एक पार्ट है जो सिक्रेटरी पार्ट भी है इसका। तो इसका जो सिक्रेटरी पार्ट है वो हार्मोन सेक्रेशन करता है, और ये जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम मास्टर ग्लैंड है। तो ये जो हाइपोथैलेमस, ये मास्टर का भी मास्टर है, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं अपन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हाइपोथैलेमस से हार्मोन सेक्रेशन होता है जिसका नाम है GnRH हार्मोन। GnRH का पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन, गोनाड्स क्या होते हैं? गोनेड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उन्हें अपन गोनाड्स बोलते हैं। तो गोनाड्स पे काम करने वाले हार्मोन को रिलीज करवाता है हाइपोथैलेमस, और किससे रिलीज करवाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो आगे वाला जो लोब है, यहां से सिक्रेशन होता है एक तो FSH का, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये गोनाड्स पे काम करता है, जिसका नाम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो इस तरीके से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। ये आलमंड शेप की एक ओवरी है, और इसमें मैंने दिखा रखा ओवेरियन साइकिल। अब ये ओवेरियन साइकिल में देखो, ये यूगोनिया सेल है, इसके बाद में ये प्राइमरी फोलाइकल अपन यहाँ पे बना देते हैं, ये है सेकेंडरी फोलाइकल, इसके बाद में ये टर्शियरी फोलाइकल, और ये है मैच्योर टर्शियरी फोलाइकल, या फिर इसे अपन बोलते हैं ग्रेफियन फोलाइकल। इसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फोलाइकल बोल देते हैं। अब ग्रेफियन फोलाइकल जब मैच्योर होता है तो इसके अंदर से क्या निकलता है, ये सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकलता है, और वो किसी हार्मोन के इफेक्ट में निकलता है, उस हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग करवाता है, ये ल्यूटिनाइजेशन मतलब ओवरी से इस सेकेंडरी ऊसाइड को रिलीज करवाता है ये हार्मोन। अब एक एक को मैं यहाँ पे ध्यान से बताता हूँ आपको। मैंने जब ओवेरियन साइकिल पढ़ाया, ओवेरियन साइकिल में ये वाला जो पार्ट है ग्रेफियन फोलाइकल, इसमें से सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकल जाता है, और इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो आगे जाके, अगर ये सेकेंडरी ऊसाइड अगर क्या बन जाता है, आगे जाके जायगोट बन जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से जायगोट बन जाता है, तो रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो टेम्परेरी ग्लैंड होता है, ये टेम्परेरी ग्लैंड होता है फीमेल के केस में। तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे क्या क्या सिक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम देखो यहाँ पे मैंने जो ये एरो बना रखे हैं, ये सारे हॉर्मोन सिक्रेट करता है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करता है, रिलैक्सिन भी सिक्रेट करता है, और इनहिबिन भी सिक्रेट करता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, कौन सिक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ओवेरियन साइकिल इस तरीके चलता था। इस ओवेरियन साइकिल में जो ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, इन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है? फॉलिकल्स के डेवलपमेंट, देखो नाम ही क्या है इसका, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता रहता है। कौन? FSH। तो यहाँ पे लिख रहा है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स एंड देयर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ओवरी का जो मेन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो है एक तो एस्ट्रोजन और एक है इनहिबिन, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है मेनली। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करता है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे FSH का मैंने यहाँ पे भी नाम लिख रखा है। तो ये जो एक फॉलिकल्स को मैंने बाहर निकाल के दिखा रखा है, ये फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ है। तो यहाँ पे लिख रखा है ग्रोविंग फॉलिकल इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो ये यहाँ से ग्रोविंग जो फॉलिकल है वो यहाँ पे इनिशियल डेवलपमेंट बता रखा है कि इनिशियली क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल इस तरीके से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, जिसके ये बाहर ये मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल बनती है, और ये फिर ये थीका सेल बनती है जो डिसकंटिन्यूस होती है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। इस तरीके से FSH यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ से सिक्रेट होने वाले मेन हॉर्मोन्स के अपन नाम के बारे में जानेंगे और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से फंक्शन करता है। तो एस्ट्रोजन मेन फीमेल हॉर्मोन होता है। एस्ट्रोजन जिस तरीके से मेल में टेस्टोस्टेरोन था, उसी तरीके से फीमेल का जो मेन हॉर्मोन है वो क्या है, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का मेन काम बताओ, देखो डेवलपमेंट ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो भी है उन सभी का डेवलपमेंट भी करवाता है और मेंटेनेंस भी रखता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को भी, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। कौन? एस्ट्रोजन, ये इसका मेन रोल है। उसके बाद में ये
अगर इसका मॉडरेट लेवल है, इसका मॉडरेट लेवल है तो ये यहां पे इनहिबिट करता है किसको, जीएनएच को, एफएसएच को और एलएच को, मतलब ये कहीं ना कहीं हार्मोनल कंट्रोल रखता है पूरा कि इसमें कितना एफएसएच सीक्रेट होना है, एलएच कितना सीक्रेट होना है और इनहिबिन कितना सीक्रेट होना है, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन कौन रखता है, एस्ट्रोजन। इसलिए ये मेन हार्मोन है फीमेल का। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है मेनली, सबसे ज्यादा सीक्रेशन इसका तभी बढ़ता है जब एक कॉर्पस लूटियम यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन करना चालू कर देता है। अब यहाँ पे देखना इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम तो है कि ये एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन के साथ में मिलकर एंडोमेट्रियम की जो वॉल, जो यूटेराइन जो इनर वॉल होती है जिसमें इम्प्लांटेशन होना होता है, तो इम्प्लांटेशन हो इसके लिए ये पहले से ही एंडोमेट्रियम को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेता है कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका मेन काम। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका लेवल बढ़ा रहता है, जब तक प्रेगनेंसी कैरी रहती है तब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हायर साइड रहता है। मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया भी इसका किस तरीके से ग्राफ बनता है। इसके बाद में ये आगे जाके ये जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसके बाद में ये मेमरी ग्लैंड के प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है, मतलब ये मेमरी ग्लैंड का प्रिपरेशन भी करवाता है, मेमरी ग्लैंड को भी ये तैयार करता है ताकि मिल्क फॉर्मेशन हो सके। इसके बाद में ये इनहिबिट करता है किसको, जीएनआरएच को और एलएच को भी ये इनहिबिट करने का काम करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन का थोड़ा बढ़ा हुआ लेवल। उसके बाद में इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो क्या कराता है, देखो रिलैक्सिन नाम से क्या है, रिलैक्सिन ये रिलैक्स कराएगा, स्मूथ मसल्स जो है उनमें ये रिलैक्सेशन क्रिएट करता है। जैसे आपको मैं बात बताऊं कि जैसे ही पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन का मतलब लोकल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं डिलीवरी, डिलीवरी जब भी होता है तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल के जस्ट आउटर साइड की जो वॉल होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। मायोमेट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसे अपन लेबर बोलते हैं, जिससे लेबर पेन होता है, जो लेबर जनरेट होता है उस लेबर जनरेट में क्या होता है, जो यूटेराइन मसल्स है उसमें कॉन्ट्रेक्शन और ये रिलैक्सेशन इनहिबिट करता है ये यहाँ से कौन, रिलैक्सिन। क्यों, क्योंकि यहाँ से ज्यादा अगर ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, ज्यादा पेनफुल कंडीशन बन जाती है, उसे ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का बात। तो ये क्या है, ये रिलैक्सिन हार्मोन है, इसका नाम ही रिलैक्सिन है, ये रिलैक्स करता है किसको, स्मूथ मसल। उसके बाद में जैसे ही लेबर पेन ज्यादा इंक्रीज होता है तो जो वेल डेवलप्ड फीटस है वो जैसे ही बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो ये साथ में और क्या क्या करता है, ये यहाँ पे प्यूबिक सिंपाइसिस की जो मसल्स है, प्यूबिक सिंपाइसिस मतलब सर्विक्स वाले रीजन के पास में, वेजाइना वाले रीजन के पास में जो भी मसल्स है उनमें रिलैक्सेशन क्रिएट करता है, और ये जो यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है उसकी मसल्स को भी डायलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इजीली एक वेल डेवलप्ड फीटस बाहर आ जाता है बर्थ केनाल से। बर्थ केनाल याद रखेंगे, सर्विक्स प्लस वेजाइना को अपन बर्थ केनाल बोलते हैं, समझ में आया। रिलैक्सिन इनहिबिन हार्मोन का नाम ही क्या है, इनहिबिन, ये इनहिबिट करता रहता है, क्या इनहिबिट करता है, इसका बढ़ा हुआ लेवल क्या करता है, देखो इसका बढ़ा हुआ लेवल यहां से नेगेटिव फीडबैक भेजता है, क्या भेजता है, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है यहाँ पे देखो, जहां से ये एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहे हैं तो ये यहाँ से इस एंटीरियर पिट्यूटरी में नेगेटिव फीडबैक भेजता है, जिससे क्या होता है एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब एक तरीके से कंट्रोल वे में ये एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, इनहिबिन हार्मोन। इसके अलावा देखना यहाँ पे एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल क्या बोलता है, एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल एक तो नेगेटिव फीडबैक किसको भेजता है, हाइपोथैलेमस को, एक ये नेगेटिव फीडबैक साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है, दोनों जगह भेजता है, इसलिए यहाँ पे बेटर कंट्रोल कर पाता है एस्ट्रोजन किसका, एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन का बेटर कंट्रोल कौन करता है, एस्ट्रोजन। इसके अलावा कौन कंट्रोल करता है, इनहिबिन कंट्रोल करता है। मेज द कोलम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे करेक्टर आपको याद रहने चाहिए, कौन से हार्मोन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, कहां से रिलीज होता है, कौन नेगेटिव फीडबैक भेजता है, किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है, सारी बातें आप लिख के रख लीजिएगा। इस पूरी क्लास का जो ये बोर्ड है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख भी सकते हैं और साथ में इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।